सभी, मैं धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, हमारे फेसबुक में, हमारे इंस्टाग्राम में, हमारे व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि हमने जो वीडियो हम डालते हैं, अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उस पे हम अपना नंबर डालते हैं, उसमें बच्चे फोन यानी मैसेज करके हमसे पूछते हैं, सर नौकरी की कोई वीडियो बनाओ, नौकरी प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी। दोस्तों मैं तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि एक नौकरी प्रॉब्लम क्यों है, कैसे होती है, इसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइजें बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए, क्योंकि ऐसे बच्चों, अगर 100 बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो कम से कम 50% बच्चों को नौकरी की प्रॉब्लम होती है, वो उनकी गलती की वजह से होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि नौकरी होती कैसे है। दोस्तों सबसे पहले ये बता रहा हूं कि जब रनिंग में आप पैर ऐसे साइड में रख के चलते हैं, ये नौकरी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा वो होता है। अगर आप सीधे पैर रखते हैं, जो चलने का प्रक्रिया जो होती है फौज में, एक मेडिकल पॉइंट ये होता है कि जब बंदा मेडिकल देता है तो उसको रनिंग यानी रनिंग करा के देखते हैं, उसका यही पोर्शन होता है कि बंदा चलता कैसे। बहुत सारे बंदे ऐसे बाहर की तरफ पैर करके चलते हैं, लेकिन चलने का पोर्शन ये होता है बिल्कुल ऐसे पैर सीधे होने चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो बंदे साइड में पैर के रख के निकलते हैं तो उनको क्या होता है कि ये साइड कह दिया, एक बंदा खड़ा होकर आ जाए जिसको नौकरी हो रही है, जल्दी आ जाए, खड़ा हो जाए, जैसे ये बंदा चल रहा है साइड में पैर चलना, मेरी तरफ चलना, ये देखो अभी क्या कर रहा है, ये साइड में पैर निकाल रहा है। ये साइड में पैर निकालने का मतलब है कि ये घुटना दोनों ये साइड से ऐसे जाएंगे, जब ये जाएंगे तो ये, जब नौकरी में हम खड़े होंगे, जब ऐसे खड़े होंगे तो ये जुड़ेगा। अभी चलना कैसे, बिल्कुल सीधे चल के दिखाओ मेरे को, पैर सीधा, ये देखो अभी भी सही नहीं कर रहा है, इसको नौकरी की प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी एक चीज और है, नौकरी की प्रॉब्लम और है कि ये इसका मोटापा, ये जो थाई, हमारे बहुत सारे बंदों क्या होता है कि जब वो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उनका वेट भी ज्यादा है अभी इसका, तो ये थाई भी मोटी है, तो थाई मोटी वजह से ये नौकरी की प्रॉब्लम अभी होती है। जैसे एक्सरसाइज कर करके ये पतला होगा, ये एरिया पतला होगा, अपने आप ये खत्म हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगी। अभी जो जिस बंदे को नौकरी नहीं है वो खड़ा हो, जिस बंदे को नहीं है जल्दी आ जाओ, अभी इसको नौकरी नहीं है क्योंकि इसका वेट, इसके बॉडी भी पतली है और वेट देखो ये नहीं है, इधर खड़ा हो जा, ये पैर जोड़ के खड़ोगे, ये नौकरी नहीं है, इसका पैर भी पीछे नहीं जा रहा, और ये चलने में भी, चल के दिखाओ जरा, ये चलने में भी पैर सीधा रखता है, यस चल बैठ जा। तो दोस्तों अगर आपको भी ये सारी गलतियां आप कर रहे हैं तो ये करना बंद कर दीजिए। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, नौकरी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कुछ एक्सरसाइजें बताऊंगा। पहले मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे ये होती है, अभी मैं पहले एक्सरसाइज आपको बताऊंगा कैसे आपको नौकरी प्रॉब्लम खत्म करनी है। यस, दो बंदे आ जाओ जल्दी, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे सामने इधर फेस करो। यस, पहली एक्सरसाइज दोस्तों हमको क्या करना है, एक्सरसाइज जो, यस, एक साइड में, इधर साइड में जाएंगे, पैर खोलो दोनों, यस डाउन, यस। दोस्तों क्या करना है कि जब ये एक्सरसाइज हम करेंगे तो ये जो एंगल होगा हम इसको सीधा करेंगे, ये एंगल पूरा सीधा होगा, जैसे हमारा पैर बिल्कुल नीचे जाए, यानी जो हम फोल्ड करते हैं ये, तो ये निकला होता है एरिया, ये एक्सरसाइज से बिल्कुल कम होगा। इसको ये देख लो पहले, ये एरिया पूरा, यस डाउन दूसरे साइड, यस डाउन दूसरे साइड। लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज करते समय ध्यान देना कि ये वाला जो एंगल होगा ये पैर का बिल्कुल सीधा होगा, ये जो पैर है ना पूरा जमीन से टच करता हुआ होगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कोई आपको पाइप पकड़ना है, पाइप के सहारे करना है, अभी ये बंदे कर रहे हैं इसलिए इनको एक्सपीरियंस है। यस डाउन, चेन, यस अप। अभी दोस्तों मैं दूसरी एक्सरसाइज में बैठ जाऊं, दूसरी एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उसमें भी आपको करने में कम से कम 3-4 एक्सरसाइज। दो बंदे आ जाए कोई भी, यस यस जल्दी पैर रखो इधर। अभी क्या करना है इसको क्या करना है कि ये पैर जो है इसको यहाँ पे कोई भी ऊंचा, ये तो थोड़ा नीचा और ऊंचा कर सकते हैं, अब इसको यहां रखना है, ये एंगल ही हमको सीधा करे, नौकनी में यही सबसे ज्यादा ये वाला प्रॉब्लम करता है, ये वाला एरिया, इसको पूरा ऐसे सीधा रखना है, पैर को इस वाले एरिया को टाइट रखना है इसको। अब इसके बाद नीचे दोनों हाथ पकड़ना है, डाउन करना है, इसके बाद ये पूरा पूरा का पूरा सीधा रखना है, ये वाला भी एरिया, इससे भी प्रभाव पड़ेगा। कम से कम आपको 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जैसे भी आप होल्ड कर सकते हो इसको होल्ड करके रखना है। यस, लेग चेंज दूसरे साइड, दोनों पैर में करना, एक पैर में नहीं करना, डाउन नीचे होल्ड करना जितनी देर आप होल्ड करिए, क्योंकि ये थाई भी भरेगी आपकी
लेकिन आपको नौकरी सही करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। यस यस लिखते सब लिखते। दोस्तों मैं वीडियो में आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे तो आप कम से कम ज्यादा टाइम देंगे। ये बिल्कुल घुटना सीधा, बिल्कुल घुटना सीधा रखेंगे ये। यस यस आप हट जाओ। दूसरे मैं दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज दिखा रहा हूं। दूसरे बंदे आ जाए, कोई दो बंदे आ जाए, दो बंदे आ जाओ जल्दी। यस अभी क्या करना है, ये जो दूसरी एक्सरसाइज है ये पैर सीधा रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि दोनों हाथों से ये पंजे को पकड़ना है, सिर को डाउन करना है। यस यस पूरा पकड़ो से। अभी आप थोड़ा ऊंचा और पैर रख सकते हैं, अगर नीचे है तो कोई नहीं, लेकिन और ऊपर रख सकते हैं अभी। यस लेट्स इन, बिल्कुल सीधा रखना है ये वाला एरिया और ये वाला पंजा पूरा सीधा रख। इसको भी सीधा करना है, ये वाले पैर को बाहर नहीं करना, थोड़ा पीछे करो। यस ये लेग चेन, लेग चेन। लेग चेन। लेग चेन। यस अब बैठ जाओ। अभी दोस्तों ये जो तीन एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई, इसके बाद मैं चौथी एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, उससे भी नौकरी की प्रॉब्लम खत्म होती है। यस दो बंदे आ जाए जल्दी, दो बंदे आ जाए जल्दी से, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दोस्तों इस एक्सरसाइज को हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोलते हैं। थोड़ा एरिया अभी क्या करना है आप लोगों को, इस एंगल को ही हमें सीधा करना होता है। आपको क्या करना है, पूरा 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 ऊपर लेना है ये, फिर जमीन से टच करना है ये। यस डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहिए। तो सर ये अगर आप कर सकते हैं पहली बार में, आपका अभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको क्या करना है कि ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमें ये एंगल सीधा करना है, ये एंगल, ये वाला एंगल सीधा करना है। यस चलते रहो सबस। तो दोस्तों ये मैंने जो चार एक्सरसाइज आपको दिखाई हुई है, इससे आपकी नौकरी की जो प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इसके पहले मैंने कुछ पॉइंट बताए थे कि नौकरी प्रॉब्लम किस कारण वजह से होती है, तो दोस्तों अगर आपको नहीं है, अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो आपको नौकरी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों ये करिए कि जो मैंने दो पॉइंट बताए थे कि कैसे चलना है और क्या करना है, उनको सही एंगल में पैर रखिए और गलत एक्सरसाइज न करिए, नहीं तो आपको नौकरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरे वीडियो में आपको जो मैंने कुछ एक्सरसाइज बताई, इनको रेगुलर करना है, यानी कंटिन्यू करना है, तभी आपकी नौकरी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कोई नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।